अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया एफएल विजन गैलरी में। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर जाके बैठ गया, नर मादियाँ लैदा लैदा की हैं, ज़रा नर सारे वहाँ फेंके हैं, मादियाँ सारी यहाँ भी की हैं, अभी लड़ाई चल रही है अंदर। वो वहाँ से ना वो तो फटियाँ लगाने गया हूँ, सीधी करने गया हूँ, तो वहाँ से ना वो नर जो है ना हमारा वहाँ जाके बैठ गया। ये जोड़ों वाला नर है और मैं पहली मरतब बाहर निकला, लेकिन इसके अंडे बच्चे कोई नहीं है पीछे, तो लेकिन यह नर बड़ा ज़ालम है। बच्चा इसका किधर, नहीं नहीं बच्चे पाल नहीं रहा। हाँ बच्चे पाल ही रहा, वैसे बच्चा है इसका, और ये सामने जाके बैठ गया है। अब आएगा नहीं आएगा आप लोगों को शेयर कर दें, नहीं ये कहानी शुरू हो गई यहाँ से फिर। तो वो बस आपको पता ही, जब नर मादियाँ इकट्ठे हों तो लदा लदा करते वक्त थोड़ा सा वो हो जाता है, मिसे अभी जमकर तो यही सीन हुआ है ज़रा। लो जी दोस्तों, नर अब इस साइड पर आ गया, पहले इस साइड पर था, अब वो सामने की साइड पे ना, वो सामने ममटी है, ये देखे यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इस ममटी के वो पीछे बैठ गया, वो फिर रहा है नहीं, बल्कि ये नुकर में आया हुआ है, ये देखे ये उड़ गया, ये उड़ा है, गलत जगह पे जाइए जा रहा है यार। इस साइड को आ नहीं रहा, इस साइड को आ जाए ना तो पकड़ा जाए, क्योंकि वो आके कहीं निकले, वो आया नीचे उधर बैठ गया, उस साइड बैठ गया कहीं पे यार। दोस्तों अब ये आ गया, ये सामने ये कूलर पे बैठा हुआ है, ये देखो ये कूलर के ऊपर बैठा हुआ है, वो कवा ऊपर वो नीचे, ये देखिए। ये शुरू में ना कभी एक दो दफ़ा ना निकला हुआ है, और ना ये लकवे में था, उड़ के ना बैठा हुआ है रुल के दो चार दफ़ा, तो तकरीबन अब दो साल बाद दोबारा बाहर निकला है ये नुक्कर में ना, ये देखें दोस्तों, ये सामने आके बैठ गया, ये देखें ये बिल्कुल सामने खुटे गए, ये खुटे हैं, और इसके सामने आके ये देखें ये बैठ गया, ये देखें ये आके बैठ गया कबूतर जोड़ों वाला। तो एक आधा कबूतर बाहर निकालते हैं ज़रा, ये तो मैं बड़ी दूर खड़ा हूँ, बन्ने से पास खड़ा हूँ, तो बिल्कुल सामने ही बैठा है अब तो खुटे गए। दोस्तों अजान हो रही है, इसलिए खामोश कबूतर ही आके बैठ गया पीछे। दोस्तों सीन ये है कि इस टाइम में मगरिब टाइम में धुंध का आलम देखे आप, क्या धुंध है आपको बता नहीं सकता, बट दुआ यही थी कि अल्लाह ताला कि यार ये फिरदा घर आ जाए, इसको मैं खुडे के अंदर बंद करूं, कहाँ पे ठंड में रहेगा, पानी वाली ओस है, और इस मौसम में जब ओस पड़ती है गिल्ला होता है कबूतर, तो उसके बाद हवा चलती है, तो कबूतर जो है ना बड़ा बीमार हो जाता है, तो सर्दी है इंसान हो चाहे जो भी हो, तो इसीलिए यही कोशिश की कि अल्लाह करे घर आ जाए, अभी घर आके बैठ गया और ये नीचे विड कबूतर की कर रहा है। मैं ये चारों के साथ ही दुआ से खुद ही अंदर चला जाए, क्योंकि इस टाइम इसको छेड़ा ना उसने पहले ही बड़ा खपाना है, तो थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ ज़रा, ये कैमरा मैं अपने लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा उधर, क्योंकि वो ना मतलब नीचे खुदों को देख रहा है। तो सोटी मेरे पास स्टेम है नहीं, समा वो डंडा पीछे से चलाओ, पीछे से ही चलाओ इसको डंडा, तो यार सब्जी बड़ी है, ज़रा इसे कोशिश करिए, क्योंकि अब फड़क ही आना इसमें मुश्किल ही आना है, अब फड़का ना मुश्किल आएगा, तो पीछे से हल्का सा उसको डंडा यहीं से चला, यही आगे से लेके जा, ऐसे साइड से, ऐसे इसका मुंह मोड़ पहले, बस हल्का सा इसका मुंह मोड़ पहले किस तरह, ये चल चल आ गया आ गया आ गया, अंदर 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 आ गया, इसका शौक भी कराते हैं भाइयों को ज़रा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो इसी टाइम में अभी धुंध का जो आलम हो गया, शायद आपको उस तरह से नज़र ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा धुंध गिरी है एकदम, तो आपको इसका शौक कराते हैं। तो ये कबूतर है, इसकी खड़ी होनी भी दिखाते हैं हम अभी आपको, ये देखें ज़रा माशाल्लाह बहुत प्यारा है इसकी, इसको अभी आप शौक कराते हैं पकड़ के ज़रा। ये दोस्तों ये नर एक ज़्यादा बंद कर, ये नर हमारा माशाल्लाह गोल्डन कबूतर है, जोड़ा नंबर कौन सा था ये हमारा, ये 52 नंबर जोड़ा नंबर है हमारा ये माशाल्लाह, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। दिखाओ ज़रा ये गोल्डन कबूतर है, कुंदा दिखाओ ज़रा, वो अच्छा कुंदा इसका, ये देखें माशाल्लाह ये गोल्डन कबूतर, देखें 8वीं 9वीं 10वीं चेक कराओ ज़रा, ग्रिप देखें परों में, बहुत अच्छी परों में ग्रिप है, ये देखें ये पार है इसका, एक साइड का दूसरी साइड का दिखाओ, ये माशा इसका दूसरा कुंडा बड़ा प्यारा, यार ठंड बड़ी है, वीडियो बन नहीं रही,
तो इसको जल्दी जल्दी दिखा के देना। चलो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाफी दो में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।